अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ठीक होंगे और हम भी बिल्कुल ठीक हैं। तो मैं आज आपके साथ शेयर करने लगी हूँ लौकी और चने की दाल की रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ आज आपके साथ। तो मैंने एक कढ़ाई ले ली है और उसमें मैंने डाल लिया है मस्टर्ड ऑयल और उसको मैंने कर लिया है अच्छे से गर्म। और मस्टर्ड ऑयल को मैं बहुत ही अच्छे से पकाती हूँ और अच्छे से इसको पकाती हूँ, बट आज मैंने इसको फुल फ्लेम पे पका दिया है तभी ये इतना ज़्यादा गर्म हो गया था थोड़ा सा। तो मैंने इसमें ऐड किया था ज़ीरा, 2 चम्मच मैंने इसमें ज़ीरा डाला था और उसके बाद मैंने डाला था थोड़ा सा हींग और उसके बाद मैंने लहसुन अदरक और प्याज का पेस्ट डाल दिया था। और इस पेस्ट को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है ऑयल में और अच्छे से मैं इसे भून लूँगी। और जैसे कि मैंने फ्लेम को हाई रखा था तो इसलिए फ्लेम हाई होने की वजह से ज़ीरा थोड़ा ज़्यादा कलर उसका डार्क हो गया है, बट मैंने फिर थोड़ा सा मुझे कम लगा था तो मैंने थोड़ा सा मसाला और ऐड किया है इसमें। जिंजर गार्लिक एंड ऑनियन का पेस्ट मैंने और ऐड किया था थोड़ा सा इसमें और फिर इसे अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है ऑयल में, अच्छे से थोड़ा सा भून लूँगी। 1 से 1.5 मिनट के लिए मैंने इसे भूना है। फिर मुझे इसमें ऐड करने थे बाकी के मसाले। ऑयल आप अपने अकॉर्डिंग कोई सा भी ऑयल ले सकते हैं, बट मुझे मस्टर्ड ऑयल में ज़्यादा अच्छी लगती हैं सब्ज़ियाँ तो मैं मस्टर्ड ऑयल का ही यूज़ करती हूँ। और मैंने इसमें डाल लिया है 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 2 चम्मच मैंने डाला है इसमें धनिया पाउडर। और सॉल्ट मैंने टेस्ट के अकॉर्डिंग डाल लिया है और इन सभी को मैं अच्छे से भून लूँगी। और अच्छे से मैंने इन सबको मिक्स कर लिया है। हल्दी, जैसे कि आप सभी को पता है, हल्दी में थोड़ी सी एक्स्ट्रा डालती हूँ, मुझे हल्दी से कलर बहुत अच्छा चाहिए होता है, मुझे हल्दी काफ़ी पसंद भी है तो इसलिए मैं हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा ही डालती हूँ। और मैंने हल्दी को डाला है तो हल्दी से कच्चे वाली वो जो हीक होती है वो अच्छे से निकल जाए तब तक मैं इसे मसाले को भूनूंगी। और मसाला भी अपना तेल अलग छोड़ देता है तो अच्छे से भून जाता है। अभी मुझे काफ़ी देर तक मसाले को भूनना है और अगर मसाला कहीं पर हमें कच्चा लगता है तो थोड़ा सा पानी उसमें ऐड कर देती हूँ मैं और फिर से एक बार पका लेती हूँ। और उसके बाद मैंने डाले थे टमाटर और हरी मिर्च जो कि मैंने कट करके रखे थे और इसको मैंने डाल लिया है और थोड़ा सा मैंने इसमें वाटर ऐड किया है और उसके बाद फिर से मैं इसे भूनने लगी हूँ और कुछ देर में फिर से रख के इसे भूनूंगी अच्छे से जब तक ये टमाटर मैशी ना हो जाएं, थोड़े से मसाले के साथ मिक्स ना हो जाएं, तब तक मैं इसे भूनूंगी। और मीडियम फ्लेम मैंने गैस की रखी है, हाई बिल्कुल भी नहीं की है। इसके बाद में मैंने अच्छे से मसाले को भूना है और ऑयल भी काफ़ी अच्छा आ गया है एक साइड में, बट थोड़ी देर अभी मुझे इसे भूनना है। और मैंने लौकी कट करके रखी थी, लौकी काफ़ी अच्छी फ्रेश थी और वो मैंने बारीक अपने शेप एंड साइज़ के अकॉर्डिंग आप कट कर सकते हो। बहुत से लोग थोड़ी फाइन चॉप करते हैं, बहुत ज़्यादा मोटे मोटे पीसेस करके कट करते हैं, बट मैं थोड़े छोटे पीसेस कट करके डालती हूँ लौकी की सब्ज़ी में, किसी भी सब्ज़ी में, ताकि वो अच्छे से गल जाए। और चने की दाल को मैंने सुबह से सोख करके रखा था तो कई घंटों तक मैंने उसे सोख करके रखा था तो वो काफ़ी अच्छे से फूल गई है और काफ़ी बड़ी बड़ी हो गई है। तो कोई भी चने की दाल की रेसिपी मैं बनाती हूँ तो मैं उसे सुबह से ही सोख करने के लिए रख देती हूँ तो वो काफ़ी अच्छी हो जाती है। और रात में मैं कभी भी नहीं रखती हूँ चने की दाल को सोख करके, ताकि फिर उसमें स्मेल हो जाती है एक अजीब सी। और मॉर्निंग में रखते हैं तो काफ़ी अच्छे से फूल जाती है। जैसे कि अब ये देखें आप, डी मार्ट से ही मैं दाल लाई हूँ, ये काफ़ी अच्छी क्वालिटी इसकी होती है और ये काफ़ी बड़ी बड़ी फूलने के बाद हो जाती है। और सुबह में भी मैंने 11-12 बजे के करीब में मैंने इसको सोख किया था और ये देखें काफ़ी अच्छी हो जाती है ये दाल। तो मसाले को अच्छे से भुनने के बाद सबसे पहले मैंने दाल को ऐड कर दिया है जो कि काफ़ी अच्छे से सोख हो गई थी और ये देखें कितना प्यारा इसका कलर आया है। इसलिए मैं हल्दी को अच्छे से डालती हूँ ताकि कलर भी सब्ज़ी का अच्छा आए, ये ना हो कि सब्ज़ी का टेस्ट काफ़ी अच्छा है बट देखने में सब्ज़ी थोड़ी कलर उसका अच्छा नहीं आया है, तो इसलिए मैं थोड़ा हल्दी भी ऐड एक्स्ट्रा करती हूँ ताकि कलर भी काफ़ी अच्छा आए सब्ज़ी का। जितना वो खाने में अच्छी लग रही है उतना देखने में भी वो ब्यूटीफुल लगे, जितना वो खाने में यमी है उतना ही वो देखने में भी टेस्टी लगे।
तो इसलिए मैं थोड़ी सी हल्दी डालना ज़्यादा प्रेफर करती हूँ, हल्दी अच्छे से डालती हूँ मैं सब्ज़ी में। और इसके बाद मैंने इसमें डाल दी थी लौकी, जो कि मैंने छोटा छोटा कट करा था, ज़्यादा बड़े पीसीस मैंने कट नहीं किए थे। और इसको मुझे अच्छे से मिक्सअप कर लेना है, इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और थोड़ी देर के लिए मैं इसे ऐसे ही पकाऊँगी। और ये काफ़ी प्यारा कलर लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी का आ गया है, और मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर लिया है सभी को। और कुछ देर के लिए, 1 से 2 मिनट के लिए मैं ऐसे ही पकाऊंगी इसको। और इस तरह से अगर आप लौकी और चने की दाल की सब्ज़ी बनाएंगे तो यकीन मानिए काफ़ी टेस्टी सब्ज़ी बनके तैयार होती है, एक बार ट्राई ज़रूर करें। और उसके बाद में मैंने थोड़ा सा पानी ऐड किया था, क्योंकि चने की दाल को गलने में थोड़ा टाइम लगता है और लौकी को भी थोड़ा सा टाइम लगता है गलने के लिए, तो आप अपने अकॉर्डिंग पानी डाल सकते हैं। तो मैंने इसमें इतना पानी डाल दिया है और मैं अंदाजे से ही हमेशा पानी डालती हूँ, कभी मैं नाप के इस तरह से पानी नहीं डालती हूँ। और मैंने अच्छी क्वांटिटी में एक ही बार पानी को ऐड कर दिया है, ताकि मुझे दोबारा से डालना ना पड़े या सब्ज़ी में कम ना रहे, जल जाए सब्ज़ी और फिर तब बीच में मुझे वाटर ऐड करना पड़े। इसलिए मैंने अभी ठीक से पानी डाल दिया है और इसकी क्वांटिटी एकदम परफेक्ट बैठी थी और बहुत अच्छे से दाल बन के रेडी हुई थी और गल भी गई थी काफ़ी अच्छे से, तो मैंने पानी उसके अकॉर्डिंग ही डाला है इसमें। और यहाँ पर आप सॉल्ट टेस्ट कर सकते हैं, अगर आपको नमक कम लगे तो आप तभी भी और ऐड कर सकते हैं यहाँ पर। और मैंने इसका लिड बंद कर दिया है और उसके बाद में गैस को कर दिया है मैंने फुल फ्लेम पर, और इसको मैं पकने दूंगी मिनिमम 10 से 15 मिनट मुझे इसे लगे थे फुल फ्लेम पर पकाने में, और तब ये सारा पानी भी ख़त्म हो चुका था, सब्ज़ी का सारा मॉइस्चर ख़त्म हो चुका था और काफ़ी अच्छी सब्ज़ी बनके रेडी हुई थी ये। और उसके बाद में मैं डालने लगी थी कूलर में पानी, जो कि और मैंने पाइप भी नहीं लगाया है आज, और आज मैं डाल रही थी भगोने से पानी कूलर के अंदर, क्योंकि और कुकिंग कर रही थी मैं साथ में और उसके साथ साथ में पानी भी डालते जा रही थी, इसमें पानी डालना था तो मैंने पाइप नहीं लगाया है और भगोने से इसमें पानी डाल दिया है। और पानी मैं सिर्फ इतना डालती हूँ जो कि मैं डेली एक्सचेंज कर सकूँ, डेली उसका पानी ख़त्म हो जाता है, नहीं तो स्मेल हो जाती है उस पानी में। और यहाँ पर पानी की बात आई है और मैं पानी, मुझे बहुत ज़्यादा प्यास लगती रहती है कुकिंग टाइम में भी वैसे भी, तो मैं पानी पी रही थी और ये देखी कितनी टेस्टी बनकर सब्ज़ी रेडी हुई है और सारा मॉइस्चर इसका चला गया है और सिर्फ ऑयल ऊपर आ गया है सारा, और ये काफ़ी अच्छी बनकर रेडी हुई थी, काफ़ी टेस्टी लग रही थी। और थोड़ा सा मैंने इसमें फिर बाद में घी ऐड किया था, आप चाहें तो इसे अचार के साथ भी खाएं, ये काफ़ी अच्छी लगती है। और ये देखिए इसका कलर कितना प्यारा आया है और ये इससे भी ज़्यादा टेस्टी खाने में लग रही थी। और आप चाहें तो इसे छाछ के साथ भी ले सकते हैं, हमने छाछ मंगवाया था और छाछ के साथ हमने इसे खाया था तो बहुत ही ज़्यादा यम्मी लग रहा था ये। और हरी सब्जियाँ काफ़ी अच्छी होती हैं हेल्थ के लिए, लौकी तोरी वैसे भी बहुत ज़्यादा अच्छी होती हैं, लौकी ज़रूर खाना चाहिए और तोरी वगैरह, तो इस तरह से अगर बनाएंगे तो इंशाल्लाह आपको ये रेसिपी ज़रूर पसंद आने वाली है, तो एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा। और ये मैंने एक वीडियो बना के रखी है, 2-3 दिन हो चुके हैं इस वीडियो को मैंने शूट करके रखी हुई थी ये, बट मैं कल डाल नहीं पाई थी, वीडियो लेंथी हो जाता इसलिए मैंने कल इसको सेव कर लिया था, ये रह गई थी वीडियो डालने के लिए। तो ये मैं गई थी मेले में तो वहाँ से कुछ सामान मैं लेकर आई थी जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं किया था, ये छोटा सा मैं पॉट लेकर आई हूँ, इसमें छोटा सा होल था बैक साइड में। और मैं इसको इसलिए लेकर आई थी, कोई चीज़ आप वैसे भी इसे स्पून होल्डर या फिर पैन होल्डर या फिर किसी भी तरह से आप इसे यूज़ कर सकते हैं, ब्रश चीज़ मेकअप के या कोई भी प्रोडक्ट आप रख सकते हैं। और ये एक मैंने ब्यूटीफुल सा छोटा सा बैग ख़रीदा था और ये काफ़ी ज़्यादा क्यूट था, इसमें मेरे बेटे ने कुछ अपनी टॉयज़ वगैरह डाल दिए थे वो मैंने निकाले हैं। और
ये काफ़ी क्यूट था छोटू सा बैग। आप इसे किसी भी तरह से यूज़ कर सकते हैं, लंच बॉक्सेस के लिए कहीं जा रहे हैं तो कुछ भी सामान, या फिर छोटा बेबी है आपके पास तो उसका कोई भी सामान आप इजीली कैरी कर सकते हैं। और ये वाटरप्रूफ बैग था, इसमें से लीकेज नहीं होता कुछ भी, वो मैं आगे आपको दिखाऊँगी। और एक ये मैंने क्यूट सा छोटा सा ऑर्गेनाइज़र कहें या फिर बास्केट, ये फोल्डेबल थी और ये मैंने एक बाय की थी। और इसमें कोई भी चीज़ हम कोई भी सामान रख सकते हैं, और अगर यूज़ में नहीं है तो हम इसे इस तरह से फोल्ड करके भी रख सकते हैं। ये देखें बहुत ही ज़्यादा कम स्पेस लेता है, हम इस तरह से इसे फोल्ड करके रख सकते हैं क्योंकि ये फोल्डेबल है। और अगर जब हमें यूज़ करना हो तब हम इसे खोल के और फिर यूज़ कर सकते हैं, किसी भी चीज़ को ऑर्गेनाइज़ कर सकते हैं। इसमें कोई भी मेकअप का सामान है या फिर कोई भी अलमीरा में हम किसी चीज़ को रख सकते हैं, छोटे छोटे चीज़ों को हम सेट कर सकते हैं। और एक ये थोर इस पर प्रिंट किया गया था और काफ़ी प्यारा ये टॉप था, लट्टू जिसे बोलते हैं, बच्चे बहुत ज़्यादा खेलते हैं इन छोटी छोटी चीज़ों से, तो एक ये मैंने वो ख़रीदा था। और ये कुछ कैरम की गोटियाँ थीं जो कि प्लास्टिक में थी, काफ़ी अच्छी प्लास्टिक इनकी थी, और ये कैरम की गोटियाँ ख़रीदी थी हमने, और ये भी काफ़ी अच्छी क्वालिटी इनकी थी। मैंने एक बॉक्स में डाल कर इन्हें रख दिया है ताकि बच्चे फैलाएं ना इस चीज़ को, मेरा बेटा इसको बिखेरे नहीं। और उसके बाद में क्यूब्स, वो मेरे बेटे की पहले से ही थी उसके पास, वो उसने रखी हुई है बैग में फ़िलहाल। और ये एक ब्रश, टूथब्रश होल्डर था, इसको हम कहीं जा रहे हैं तो इसको कैरी कर सकते हैं। इसमें पेस्ट, दो तीन ब्रश और पेस्ट वगैरह सब इसमें एक साथ हम रख सकते हैं, रख के कहीं भी ले जा सकते हैं इसलिए, या फिर पेंस या फिर मेकअप ब्रशेस या फिर कोई भी लिक्विड आइटम भी हम इसमें रख सकते हैं। ये एयर टाइट था और इसमें से लीकेज बिल्कुल भी नहीं होता, तो ये काफ़ी अच्छा था। तो एक ये मैंने ले लिया था जो कि बहुत ज़्यादा टाइटली बंद हो रहा था। और उसके बाद ये एक मैंने बनाना केस लिया था, जैसे कि बच्चों को हम लंच बॉक्स वगैरह देते हैं, कोई फ्रूट्स वगैरह हमें देने होते हैं तो बनाना बहुत जल्दी से स्कूल बैग में हम रखते हैं, लंच बॉक्स में एक्चुअली वो सेट नहीं होता है, और वैसे हम अगर बैग में डालते हैं तो वो बहुत ज़्यादा बेकार हो जाता है। तो इसलिए ये मैं केस लेकर आई हूँ, एक बनाना केस जिसको कैरी करना आसान होता है, एक साइड में हम रख सकते हैं बैग में, और कोई भी फ्रूट्स रख सकते हैं हम, ग्रेप्स, ड्राई फ्रूट या फिर बनाना, कुछ भी चीज़ हम इसमें सेव करके दे सकते हैं अपने बच्चे को। और इसके बाद में एक गन मैंने ख़रीदी थी अपने बेटे के लिए जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यारी थी, और सबसे ज़्यादा मेरे बेटे को ये गन उसको पसंद आई थी और बहुत ही ज़्यादा प्यारी थी ये। और एक ये बॉक्स लिया था मैंने वहाँ से जो कि इसमें कोई आइटम कोई चीज़ थी नहीं, बट ये खाली बॉक्स था और ये मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारा लगा था, तो ये बॉक्स मैंने बाय कर लिया था। हम किसी को गिफ्ट भी इसमें रैप करके दे सकते हैं, कोई गिफ्ट रख के दे सकते हैं, या किसी भी पर्पस से हम इसे यूज़ कर सकते हैं। इंशाल्लाह मैं दिखाऊंगी जब किसी यूज़ में इसको लूँगी। और ये देखें इस बैग के अंदर पॉली बैग की तरह पता नहीं कोई ऐसी चीज़ लगी हुई थी, पन्नी वगैरह कोई शीट इस तरह की लगी हुई थी कि लीकेज नहीं होता अगर हम कोई खाने का सामान पीने का सामान इसमें कैरी करते हैं तो। बहुत ही ज़्यादा अच्छा मटेरियल था, इसका क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी थी। और एक मैंने ये बहुत ही प्यारा सा यूनिकॉर्न का आईपैड लिया था और ये काफ़ी ज़्यादा प्यारा था। एक्चुअली में ये मैंने अपने लिए ख़रीदा था बट फ़िलहाल वो मेरे बेटे को इतना पसंद आया है कि वो ही इसे यूज़ करता है डेली। और इसके अंदर एक आइस पैड भी निकला था जिसे कि हम फ्रीज़र में डाल सकते हैं कुछ देर के लिए और नाइट टाइम में हम निकाल के और फिर इसे यूज़ कर सकते हैं, और काफ़ी ज़्यादा रिलैक्सिंग लगता है, और इसे आँखों पे रख के हम सोते हैं तो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, आँखों को बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। तो ये ले लिया था मेरे बेटे ने और फिलहाल वो ही इसको यूज़ कर रहा है, और ये काफ़ी अच्छा था, काफ़ी सॉफ्ट था। और एक ये लिया था और क्वालिटी इसकी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग थी। और अगर आज की वीडियो आपको मेरी थोड़ी सी भी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अल्लाह हाफिज़।